कमरिया करेला पलप लॉली पॉप लागेलू तो भैया टिकटॉक यूजर्स के लिए बहुत बहुत बधाइयां, क्योंकि जो टिकटॉक का जो एप्लीकेशन था उसके ऊपर बैन लगाया गया था, अब ये बैन वापस हटा दिया गया है। तो बहुत बहुत बधाइयां आप सभी लोगों को। और सबसे पहली बात उन लोगों की कर लेते हैं जिन लोगों को पता नहीं है कि सारा दुनिया में चल क्या रहा है, तो भैया उन लोगों के लिए ये है, उन लोगों के लिए जानकारी ये है कि टिकटॉक एप्लीकेशन के ऊपर बैन लगा दिया था यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट ने, और ये जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर से फिर एप्पल ऐप स्टोर से हटा दिया गया था। जितने सारे यूजर्स हैं वो तो यूज कर रहे थे जो पहले से इंस्टॉल किए थे, लेकिन जो बाद में इसको डाउनलोड करने वाले थे उन लोगों के लिए यहाँ पर बैन कर दिया गया था, उन लोग इंस्टॉल नहीं कर पा रहे थे और गूगल प्ले स्टोर से फिर एप्पल ऐप स्टोर से इसको रिमूव कर दिया गया था। लेकिन खुशी की बात यह है कि बाद में इस एप्लीकेशन का जो बैन लगाया गया था इस एप्लीकेशन के ऊपर, इसको बाद में हटा दिया गया। तो यहाँ पर बात इसी की चल रही है। अब बात करते हैं कि आखिर में इसके ऊपर क्यों बैन लगाया गया था। बैन इसलिए यहाँ पर हाई कोर्ट ने लगाया था क्योंकि यहाँ पर बात ये हो रही थी कि जो टिकटॉक का एप्लीकेशन है, टिकटॉक का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने टैलेंट को दिखाते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग इस एप्लीकेशन के अंदर पॉर्न से रिलेटेड या फिर कुछ फालतू की इलीगल वीडियो वहाँ पर डाले थे। तो जो सारे बहुत सारे लोग होते हैं उन लोगों के यहाँ पर जो उन लोगों का जो माइंड होता है उसे थोड़ा यहाँ पर गलत तरीके से डाइवर्ट कर रहा था, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट ने इसके ऊपर बैन लगाया था। हालांकि यहाँ पर 24 तारीख को सुनवाई हुई है, इसके बारे में यहाँ पर रिसर्च किया यहाँ पर कोर्ट ने, बाकी सारी चीज़ों को यहाँ पर देखा, उसके प्लेटफॉर्म को काफ़ी अच्छी तरीके से सर्च किया खोजा बिना, तो पता ये चला कि जो वीडियोस यहाँ पर डाली गई थी वो ऐसी कोई बात ही नहीं है। और इसको बाद में जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई तो उस जो बैन को लगाया गया था उसको बाद में हटा दिया गया। तो टिकटॉक यूजर्स के लिए भाई काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है, और जो बाद में अपने टैलेंट को दिखाना चाहते हैं यानी कि टिकटॉक पर अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है। और यार मुझे भी काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि देखो यार बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर टिकटॉक के अंदर हैं। और देखिए सबसे खुशी की बात ये होती है कि टिकटॉक के अंदर आप 15 सेकेंड का वीडियो बनाते हैं और सबसे ज़्यादा चांस रहता है 15 सेकेंड का वीडियो, यानी कहने का मतलब है कि जितने कम टाइम का वीडियो रहता है उसका वायरल होने का जो चांस रहता है सबसे ज़्यादा रहता है। अब आप अपने टैलेंट को दिखाना चाहते हैं, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे यहाँ पर अपने टैलेंट को दिखाएं और 15 सेकंड के अंदर ही आप अपने टैलेंट से कितने सारे लोगों को आकर्षित कर लें। तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है टिकटॉक, तो इसी को देखते हुए यहाँ पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन जब ये बैन है अब बाद में इसको रिमूव कर दिया गया है। लेकिन समस्या यहाँ पर एक अभी अब तक यहाँ पर बना हुआ है, देखिए 24 तारीख यहाँ पर बीत चुका है और आज भी यह समस्या यहाँ पर बरकरार ही है कि 24 तारीख किस दिन था और आज क्या दिन है, आज कौन सी तारीख है, आज कौन सा डेट है, और उसी को देखते हुए अभी भी गूगल प्ले स्टोर पर या फिर एप्पल ऐप स्टोर पर ये जो टिकटॉक एप्लीकेशन है अभी आया नहीं है। तो भाई समस्या इस बात का क्या है कि क्यों नहीं आ रहा है, किस टाइम पर आएगा, हालांकि मुझे इस पर कन्फर्म है नहीं, लेकिन ये बात श्योर है, 100% प्योर है, श्योर है कि ये जो टिकटॉक का एप्लीकेशन है बहुत जल्द आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये टाइम यहाँ तो कन्फर्म है नहीं कि किस टाइम पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बैन हट गया है, अब लाना ये तो टिकटॉक का काम है कि भाई कब प्ले स्टोर पर आता है या फिर एप्पल ऐप स्टोर पर कब आता है, ये तो कंफर्म है नहीं। लेकिन हाँ एक चीज जान लीजिए कि जो टिकटॉक एप्लीकेशन है बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा और बहुत सारे लोग अपने टैलेंट को टिकटॉक के माध्यम से जितने सारे लोग हैं उन सभी लोगों को दिखा सकते हैं, बस थोड़ा सा इंतजार करिए। तो भाई एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, टिकटॉक का एप्लीकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा गूगल प्ले स्टोर के अंदर या फिर एप्पल ऐप स्टोर के अंदर, आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रुक जाओ यार, रुक जाओ, बात कर लेने दो, कुछ बात कर लेने दो, रुक जाओ। हाँ तो भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, अपने टैलेंट यहाँ पर दिखाइए, काफी अच्छी अच्छी आपको जानकारी देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, अपना टैलेंट सभी लोगों को यहाँ पर दिखाइए। सो दोस्तों बस आज की वीडियो में यही इतना ही।
कमरिया कमरिया करे लप लप लोली।